डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। वेलकम फ्रेंड्स, सीपीआर मास्टर क्लास। सीपीआर मास्टर क्लास में हम डिफरेंट मार्केट कंडीशन में हमको कैसे अपने ट्रेडिंग के निर्णय लेना है ये हम सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मान लो ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी का चार्ट में जैसे 9:15 जैसी मार्केट ओपन होता है, हमको सबसे पहले क्या जज करना है? सबसे पहले हमको जज करना है कि मार्केट में प्राइस का ओपनिंग कहाँ हुआ है। तो ये हमारा चार्ट हो गया। अब चार्ट में हम सीपीआर लगा देते हैं, तो ये हमने सीपीआर लगा दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस का ओपनिंग R1 के पास हुआ है। तो सबसे पहला तो कंडीशन है कि मेरा रेंज के अंदर हुआ कि रेंज के बाहर हुआ, तो ये हमारा रेंज के बाउंड्री पे ही हुआ। तो पहला कंडीशन हो गया कि रेंज के बाउंड्री पे हमारा ओपनिंग हुआ। अब दूसरा ये कंडीशन देखना है कि नेरो सीपीआर है कि वाइडर सीपीआर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नेरो सीपीआर है, जो सीपीआर का 3 लाइन है वो लगभग 1 लाइन के बराबर हो गया है, या तीनों एक दूसरे के आसपास आ गया है, तो नेरो सीपीआर है। नेरो सीपीआर है मतलब मार्केट में एक रेजिलियंट मूव आएगा, वो चाहे ऊपर की ओर आए या नीचे की ओर आए, जिधर भी मोमेंटम रहेगा पूरा होल डे हैवी मोमेंटम के साथ मार्केट में मूवमेंट रहेगा। तो यहां से हमको क्लियर हो गया कि यहाँ पे नेरो सीपीआर है मतलब मार्केट में जो भी मूव आएगा वो बहुत तेज मूव आएगा। अब तीसरा ये देखते हैं कि ये एसेंडिंग सीपीआर है कि डिसेंडिंग सीपीआर है, मतलब प्रीवियस डे के रिस्पेक्ट में आज का सीपीआर हायर लेवल पे है या लोअर लेवल पे है। अगर हायर लेवल पे है तो वो एसेंडिंग सीपीआर है। तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे के रिस्पेक्ट में आज का जो सीपीआर है वो एसेंडिंग है। आज का सीपीआर प्रीवियस डे के सीपीआर से ऊपर बना हुआ है, मतलब वो अप ट्रेंड को कन्फर्म कर रहा है। अब इसके बाद हमको देखना है कि राइजिंग चैनल पैटर्न बन रहा है कि नहीं, या फॉलिंग चैनल पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो 20 और 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके हिसाब से हमको राइजिंग चैनल पैटर्न या फॉलिंग चैनल पैटर्न देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइजिंग चैनल पैटर्न मेरा 9:30 से पहले ही रेडी हो गया है, मतलब मार्केट रेजिलियंटली ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। तो सारी के सारे कंडीशन हमारे मीट कर रहे हैं कि मार्केट रेजिलियंटली ऊपर जाएगा और वन वे मूव आएगा, मतलब आप हैवी लॉट के साथ या ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हो और आप बहुत अच्छे टारगेट तक के लिए जा सकते हो, बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी तक जा सकते हो। तो ये कंडीशन आपको मार्केट में महीने में 2 से 3 दिन ही मिलेगा। तो 2 से 3 दिन ऐसा होता है कि वो आप एक ही दिन में लाखों रुपए बना सकते हो, लेकिन जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपको क्वांटिटी कम रखना है, लेकिन जिस दिन ये कंडीशन मिलेगा उस दिन आपको कंपेरेटिवली हायर क्वांटिटी रखना है, क्योंकि उस दिन अगर आप नॉर्मली 2 से 3 हज़ार 5 हज़ार रुपये बना रहे हो तो उस पर्टिकुलर डे में आप 20 हज़ार 25 हज़ार ईजिली बना लोगे। तो ये तो एक कंडीशन हो गई कि अगर हमारे ये कंडीशन मीट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको ट्रेडिंग का निर्णय कैसे लेना है। तो इसको बेहतर है कि चार्ट पे और डीप में हम समझें। अब चार्ट में यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग है वो एक बुलिश कैंडल हुआ है और उसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक किया है और उसके बाद कंसेक्यूटिव बुलिश कैंडल बना है, लेकिन जो प्राइस का ओपनिंग है वो रेंज के अंदर हुआ है। तो बुलिश कैंडल है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, प्राइस सस्टेन किया है, तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा जब उसमें गिरावट आएगा। तो पहला कंडीशन है मेरा प्राइस रेंज के अंदर हुआ है। रेंज के अंदर हुआ है मतलब चांसेस ज़्यादातर रेंज के अंदर रहने की है। अब दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं कि जो CPR है, CPR है नेरो है कि वाइडर है। तो यहाँ से क्लियर है कि हमारा CPR नेरो CPR है। नेरो CPR है मतलब मार्केट रेजिलियंटली मूव करेगा, जिस भी डायरेक्शन में जाए बहुत तेज मूव करेगा। तो दूसरा कंडीशन हमारा हो गया। तीसरा कंडीशन है कि एसेंडिंग CPR है कि डिसेंडिंग CPR है। तो यहाँ तो हमको क्लियर पता है कि ये एसेंडिंग CPR है। अब एसेंडिंग CPR है मतलब चांसेस ऊपर जाने के ही ज़्यादा हैं। चौथा कंडीशन है मेरा जो 20 और 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो राइजिंग चैनल पैटर्न है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि राइजिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है।
फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री में हमारा कोर्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, तो इससे आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आपको हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसको आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। जब राइजिंग चैनल पैटर्न बना हुआ है तो हमारा चार में से तीन कंडीशन ऐसा है जो हमको बता रहा है कि मार्केट रेजिलिएंटली मूव करने वाला है, और इस पर्टिकुलर कैंडल पे इसने क्या है, रेंज को ब्रेक कर दिया है ऊपर की ओर, रेंज को ब्रेक कर दिया है और सारे कंडीशन मीट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं पोजीशन बना सकता हूँ, यहाँ अगर मैं नॉर्मली 2 लॉट 3 लॉट से काम करता हूँ तो यहाँ पे मैं 10 लॉट 20 लॉट पे बाइंग कर सकता हूँ और मैं पूरा दिन के लिए छोड़ सकता हूँ पोजीशन को, ये वन वे मूव आने वाला है। तो इस टाइप का कंडीशन जिसमें हमारे चारों पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आंख बंद करके पोजीशन बनाइए और उस दिन पहला टारगेट ही आपका इतना बढ़िया रहेगा कि पहले ही टारगेट में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऐसा कंडीशन होता है कि अगर आप नॉर्मली 2000-3000 का प्रॉफिट बना रहे हो तो इस दिन आपके लिए 20-25 हज़ार रुपया बनाना बिल्कुल आसान रहेगा। कंडीशन ये है कि ये सारी कंडीशन मीट होनी चाहिए। आई होप आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सा दिन है जो बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट रहने वाला है, और वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो महीने में 2 से 3 दिन आता है और वो 2 से 3 दिन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर आप सिर्फ 2 से 3 दिन जब ये कंडीशन मीट कर रही है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये 2 से 3 दिन ही काफ़ी है, आपको रोज़ रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट कंडीशन के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।